As you know, our online classes are started. And now, today is our first class. And classes of which subject? It is of maths subject. And this is your maths book. Books of mathematics. Now, student, open this book. You have this book at your home now? So, open this book fast. Books of mathematics, okay? दिस इज़ द कंटेंट. ये सारे कंटेंट हैं जिन्हें हम वन बाय वन रीड करेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे. एंड द फर्स्ट कंटेंट इज अबाउट शेप्स. फर्स्ट कंटेंट क्या है आपका? शेप्स. दिस इज अबाउट फर्स्ट चैप्टर एंड चैप्टर इज ऑल अबाउट शेप्स. हमारी लाइफ में बहुत सारे शेप्स होते हैं. हर एक चीज़, एवरी थिंग हैव अ डिफरेंट शेप्स. ओके, चाहे आप कोई भी चीज़ आपके हाथ में होगी, आपकी लाइफ में होगी, आपका फेस होगा या आपकी बॉडीज़ का कोई भी पार्ट होगा, हर एक चीज़ का एक अपना शेप होता है. ओके, आपका बॉक्स है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, आपके पास पेंसिल है वो सिलेंड्रिकल शेप की है. हर चीज़ की एक अपनी अलग शेप होती है. बट जो बेसिक शेप्स होते हैं, दैट इज़ स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल एंड रेक्टेंगल. ओके, ये फोर शेप्स जो होते हैं, दैट इज़ बेसिक शेप्स. ये हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज बेसिक शेप्स. एंड दीज बेसिक शेप्स आर, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, स्क्वायर, दिस इज ट्राइंगल, दिस इज सर्कल एंड दिस इज रेक्टेंगल. दिस इज वॉट? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल, येलो कलर इज ऑफ रेक्टेंगल, पिंक कलर इज ऑफ सर्कल, ग्रीन कलर इज ऑफ ट्राइंगल एंड दिस इज स्क्वायर. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन वन ऑब्जेक्ट ऑफ दीज रिलेटेड शेप्स. अब मैं आपको वन बाय वन इन सारे शेप से रिलेटेड एक एक ऑब्जेक्ट दिखाऊंगी. ओके, फर्स्टली व्हाट इज दिस? दिस इज स्क्वायर. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ ऑब्जेक्ट विच इज ऑफ स्क्वायर शेप. See this box, or this paper, you can say it is a paper. Okay, this paper is of which shape? Square shape. All the shapes are, all the sides are same. Square have four shapes. As you see in the book, square have how many shapes? 1, 2, 3, 4. A square have four shapes and all the sides are four sides. Square have how many sides? Four sides and all the sides are equal. A figure which have all the sides equal, that is called what? Square. This is what? Square. ये क्या होता है? Square होता है ना? And what is the spelling of square? किसी को पता है? अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ shapes और shapes के name. This is square and this is square shape object. This is what? Square shape object. Now, the second shape is about what? Triangle. Students, what is this? This is triangle. Okay, now I'm going to show you an object which is made by me, that is triangle. Wait, see, this is what? Triangle. I have taken a pipe. Maine ek pipe li hai. और यू कैन से स्ट्रॉ लिया है, जिससे आप फ्रूटी पीते हो ना. फ्रूटी आपके घर पे आती होगी, वो आप पीते होगे, जूस पीते होगे. स्ट्रॉ होता है ना, उस स्ट्रॉ से मैम ने क्या बनाया? ये क्या बनाया है? ट्रायंगल. ये कौन सा शेप बन गया? ट्रायंगल शेप बन गया. अब आपके भी घर में जब फ्रूटी आएगी ना, तो आप उसको कैसे, इसके स्ट्रॉ को कैसे यूज़ देखोगे? शेप्स बना सकते हो ना उससे. ये मैम ने कौन सा शेप बना दिया? ट्रायंगल. दिस इज़ वॉट? ट्राइंगल. इसको ट्राइंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें थ्री साइड्स होते हैं. ट्राई मीन्स थ्री. ओके, सी, अ ट्राइंगल हैव थ्री साइड्स. 1, 2, 3. अ ट्राइंगल हैव हाउ मेनी साइड्स? थ्री साइड्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज अबाउट वेयर व्हाट? सर्कल. व्हाट इज दिस? दिस इज सर्कल. सर्कल शेप की तो बहुत सारी पिक्चर्स आप लोगों को घर पे देखने के लिए मिलती होंगी. आपकी मम्मा भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पहनती हैं सर्कल शेप के. मम्मा जो बिंदी लगाती हैं अपने सर पे, माथे पे, वो भी किस शेप की होती है? दिस इज़ ऑफ सर्कल शेप.
अब मामा की बिंदी देखिए कौन से शेप की है, सर्कल शेप की है कि नहीं है। ओके अब मैम भी आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाएंगी, विच इज़ ऑफ विच शेप, सर्कल शेप। सी दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज़ वॉट, बैंगल। दिस इज़ वॉट स्टूडेंट्स, दिस इज़ बैंगल, एंड बैंगल इज़ ऑफ विच शेप, सर्कल शेप। मैम जो बैंगल दिखा रही है कौन से शेप का है, सर्कल शेप का है। कौन सा शेप है ये, सर्कल। ओके स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, व्हेन आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग जस्ट रिपीट दैट वर्ड विद मी। ओके जब आप पढ़ रहे हो तो वो वर्ड को, जो वर्ड मैं बोल रही हूँ उस वर्ड को आप भी रिपीट करो। ओके व्हेन आई एम सेइंग स्क्वायर तो आपको भी बोलना है स्क्वायर। ओके ट्राइंगल से ट्राइंगल, नाउ आई एम सेइंग सर्कल यू से सर्कल। ओके नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज रेक्टेंगल, ये कौन सा शेप है, रेक्टेंगल शेप है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ रेक्टेंगल शेप पिक्चर ऑब्जेक्ट। सी सी दिस कॉपी, दिस कॉपी हैव विच शेप, रेक्टेंगल शेप। ओके सी दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल, रेक्टेंगल के जो दो साइड्स होती हैं अपोजिट साइड्स वो इक्वल होती हैं, ये वाला साइड और ये वाला साइड। ये भी होता कुछ कुछ स्क्वायर के जैसा ही है, बट द डिफरेंस इज रेक्टेंगल्स की जो टू साइड्स होती हैं, रेक्टेंगल हैव टू साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स, दिस साइड एंड दिस साइड, एंड दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल। दिस इज कॉल्ड व्हाट, रेक्टेंगुलर शेप ऑब्जेक्ट। व्हाट इज दिस, दिस इज रेक्टेंगुलर शेप ऑब्जेक्ट। ओके नाउ वुड यू अंडरस्टैंड अबाउट द शेप्स, दिस इज विच शेप, स्क्वायर शेप, दिस इज ट्राइंगल, दिस इज सर्कल, दिस इज रेक्टेंगल, दीज आर द फोर बेसिक शेप्स। ओके रीड दिस नेम अलाउड वंस अगेन, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल एंड रेक्टेंगल। नाउ टर्न द पेज, दिस इज पेज नंबर 9। ओके नाउ टर्न द पेज, दिस इज द नेक्स्ट पेज। ओके सी व्हाट इज रिटन ओवर हियर, रीड द नेम, रीड द नेम ऑफ दीज शेप्स अलाउड, ट्रेस देम विद योर फिंगर। ओके नाउ विद मी, ओके डू इट विद मी स्टूडेंट्स, मैं करती जा रही हूँ आप मेरे साथ करेंगे। ओके पुट योर फिंगर हियर, दिस इज़ व्हाट, विच शेप, अभी हमने पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले, कौन सा शेप है, स्क्वायर शेप। कौन सा शेप है, स्क्वायर शेप, दिस इज विच शेप, स्क्वायर शेप। ओके नाउ वी आर ट्रेसिंग अवर फिंगर ऑन ईच शेप्स,